A very warm वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर और आज हम अपनी स्टोरी जो हमने कल स्टार्ट की थी द टाइम्प ऑफ सर्जरी क्लास टेंथ चैप्टर वन मोमेंट्स किताब की आज उसके सेकेंड पार्ट को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रिगी नाम का एक कुत्ता है जिसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये जो ओवर लविंगनेस है ये जो ओवर पेम्पर्डनेस है इसमें आकर के वो कुत्ते की ऐसी हालत बना देती है कि कुत्ता बेचारा बीमार हो जाता है अब वहाँ जो उनका जो डॉक्टर है जानकार वो उस बेचारे कुत्ते को देख करके बड़ा तरस खाता है और वो जब बीमार हो जाता है तो उस वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है तो उस कुत्ते को लेकर के अपने साथ चला जाता है तो किस तरीके से वो उसको क्योर करेगा और कैसे दोबारा वो कुत्ता नॉर्मल हो पाएगा वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आप इज द नरेटर अब को जो पता लगाना है इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी इज मिस्ट्रेस ट्रिकी की जो मालकिन है क्या उसके जितना ही जो नरेटर है वो अमीर है हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ओन अ परमानेंट गेस्ट उसने ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने के यानी कि अपने आप परमानेंट रखने के तौर पर क्यों वो अटैम्प्ट क्यों उसके दिमाग में ये चीज़ ऐसा ख्याल आया वाई डज मिसिज पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्राइम ऑफ सर्जरी ऐसा उसको क्यों लगता है कि डॉग की जो रिकवरी है वो एक तरह की सर्जरी का ही जीत है तो चलिए शुरू करते हैं एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज डाउन हिम ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक द आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलैस ऑन दर डॉग्स आफ्टर स्नेपिंग अराउंड हम फॉर अ फ्यू सेकंडाइडेड ही वॉज एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इन इग्नोर्ड हिम अब चूँकि उसका क्लिनिक था जैसा कि आपको बताया गया है कि ही वॉज अ वेटनरी डॉक्टर तो उसका एक क्लिनिक था जहाँ वो कुत्तों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बीमारियाँ हैं उनका इलाज करता था तो उसके घर में कुत्तों का एक जमावड़ा सा रहता था तो ट्रिकी जो था वो भी उस नोइजी प्लेस पर आ चुका था यानी कि उसके अलावा और भी बहुत सारे कुत्ते वहाँ उस घर में रहा करते थे उस जगह रहा करते थे तो उसको कारपेट पर जो राइटर था उसने रख दिया रखने के बाद भी ज़रा बिल्कुल मोशनलेस था हिल नहीं पा रहा था दूसरे कुत्ते आए उसके आसपास उसको सूंघा और उसकी मोशनलेस हरकत को देखकर उनको लगा कि ही इज़ एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट और उसको इग्नोर कर दिया आई मेडअप अ बेड फॉर हिम इन अ वोम लूज बोग नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ट जहाँ दूसरे कुत्ते सोए हुए थे तो वहाँ ही एक बॉक्स में उसके लिए उसने इंतजाम कर दिया लेटने का फॉर टू डेज आई कैप्टन आई ओन हीम गिविंग नो फूड बट प्लैंटी ऑफ वाटर दो दिन तक मैं उस पर नजर रखता रहा पानी के अलावा उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्ट टू शो समस्ट इन सराउंड थर्ड ही बिगैन टू वैन ही हर द डॉग इन द अब क्या होता है कि जो सेकंड डे था सेकंड डे के आखिर में क्या होता है कि उसने जो आसपास की जो सराउंडिंग्स थी उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और ग्राउंड में जो कुत्ते थे उनकी आवाज़ सुनकर तो यार्ड में कुत्तों को उसने जवाब देना शुरू कर दिया जैसे कुत्तों की एक आदत हो, आदत होती है साउंड करने की जब वो दूसरे कुत्तों को साउंड करते हुए देखते हैं तो वैन आई ओपन द डोर ट्री की टोटे डाउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हीज़ फ्रेंड्स तो 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 अब जैसे ही वो दरवाज़ा खुला मैंने खोला तो ट्रिकी तुरंत जो जो ग्रे हाउंड था यानी कि बड़ा कुत्ता उसके दोस्त थे वो उन्होंने उसको घेर लिया आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूवड ऑफ डाउन द गार्डन ट्रिकी फॉलो देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट अब जैसे ही उन्होंने कुत्तों का उसका इंस्पेक्शन किया इंस्पेक्शन करने के बाद में वो सारे के सारे गार्डन की तरफ भागे ट्रिकी ने उनको फॉलो किया और अपने सरप्लस फैट के साथ वो वहाँ स्लोली स्लोली मूव करता रहा अब ये देखते हैं कुत्तों की एक आदत होती है कि जब कोई आगंतुक तो घर के अंदर आता है तो वो उसको थोड़ा सा स्निफिंग करके देखते हैं लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम आई वॉचड वाइल्ड ट्रेस्टन स्लोप द फूड इन टू द बाउस देर वॉज द यूजल हैड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द हॉर्न्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इस मील अब जैसे ही अगले दिन कुत्तों को खाना डाला जा रहा था तो मैं वहाँ मौजूद था अब कुत्तों में एक आपस में होड रहती है कि सबसे पहले जाकर के बाउल पर कब्जा करना है अगर वो किसी तरीके से पीछे अगर रह गए तो उनको फिर बचे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा यू कैन सी इन द पिक्चर द रॉग्स एंड द राइटर इज लुकिंग

Uh, अगले दिन उसके लिए एक, एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ रख दिया गया और मैं देख करके खुश था कि वो इसकी तरफ uh, जो खेल खेलता है जो जब जब डॉग किसी चीज़ से खेलता है तो वो उस खेल रहा था फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रेपिड तब से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज थी ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट all day ही रैन अबाउट विद द डॉग्स joining इन their फ्रेंडली scrimmages. Scrimmages का मतलब तो ढूंढते रहना यानी कि जैसे कुत्ते किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं तो उसको कोई सर्जरी नहीं उसकी की गई थी उसके एक्स्ट्रा फैट को सरप्लस फैट को निकालने के लिए बस उसका पूरा दिन का काम था दूसरे कुत्तों के साथ में यहां वहां घूमते रहना खेलते रहना ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बींग बाउल्ड ओवर ट्रेम्ड ओन एन इस्ड एवरी मिनट सी बिकेम एन एक्सेप्टेड ऑफ द गैंग एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर फॉरिस्ट शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ अब कुत्तों की जो आदतें होती हैं कि एक्टिविटीज़ करना लड़ना झगड़ना गुर्राना आपस में खेलना या फिर चूहों के लिए हंटिंग करना तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन सब एक्टिविटीज़ में वो बाकी जो कुत्ते थे उनके गैंग में शामिल हो गया था और वो रात दिन उनके साथ लगा रहता था और ऐसा समय उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था ओल्ड द वाइल मिसिज पंफरे हावर्ड होवर्ड एक्शसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन अब क्या होता था कि जो मिसिज uh, पंफरे थी हमफ्रे थी पंफरे uh, थी वो वहाँ उत्सुकतावश ग्राउंड में आती जाती रहती थी दिन में कम से कम दर्जनों बार वो आती थी न्यूज़ uh, लेने के लिए ये क्या चल रहा है आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वैदर इज क्वेश्चन रेगुलरली और इज करेक्ट कोर्ट वोट अकॉर्डिंग टू द वैदर बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेंसिंग रैपिडली अब मैं उनके क्वेश्चन से बच जाया करता दो जमाने बचना उनके क्वेश्चन से मैं बच जाया करता था उनको बताता था कि उनके जो क्वेश्चन है वो बदले जा रहे हैं और जो कोट उन्होंने दिए थे अकॉर्डिंग टू द वेदर उनको पहनाया जा रहा है और फिर मैं कुत्ते की जो रैपिड जो कन्वेल्सिंग थी कन्वेसिंग मतलब बिकम हेल्दी बिकमिंग हेल्दी मतलब उसकी जो डे बाई डे हेल्थ के अंदर सुधार आ रहा था मैं उसके बारे में उनको बताता था द वर्ड दर्ड द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस पम्फ्रेश शी स्टार्टिड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम ही टू बिल्डअप ट्रिकीज स्ट्रेंथ अब जो कन्वेन्सिंग जो वर्ड था उसको सुनकर के मिसेज जो हमफरे थी उनको कुछ समझ में आया तो उन्होंने रोज दो दर्जन ताज़े अंडे लाने शुरू कर दिए एक ही टाइम पर ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड अब मेरा जो मैं और मेरा जो पार्टनर था सुबह के टाइम दो अंडे ब्रेकफास्ट में इन्जॉय करते हैं लेकिन असली समस्या तब पैदा हुई कि जब वाइन भी आनी शुरू हो गई और ये चीज़ें घर वालों पर जो हाउस होल्ड के लोग थे तो उन पर ये चीज़ें जाहिर होनी शुरू हुई इट वोज टू तो एन रिच ट्रिक ब्लड उसके खून को बढ़ाने के लिए थी लंच वीके में ए, सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग हज मील अब लंच जो था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया दो ग्लासेस पहले लंच करने से पहले और कई सारी खाने के टाइम वी कुड हार्डली बिलीव दैट इट वैन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंस्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्डली ड्रंक अब हम इस चीज को बहुत मुश्किल से यकीन कर पाए कि uh, जब ब्रांडी आई uh, टू पुटा फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंस्टिट्यूशन अब यानी कि उसके जो ये खाना पीना चल रहा था ब्रेंडी उसके लिए लाई गई और कुछ रातों तक जो आ, ये बेचारा कुत्ता था ये आस पास घूमता रहा सांस लेता रहा और उसको बहुत अच्छे तरीके से पीता रहा देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्ट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्राइग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लगजूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रेंडी अब जितना भी सामान उसके लिए आता था उसको क्या किया जाता था ये दो एक्स्ट्रा जो एग्स थे मॉर्निंग में शुरुआत होती थी उसका मिड डे वाइन चलती थी और लास्ट में खाने के बाद उसको ब्रेंडी पिलाई जाती थी इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिज पम्फरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्थ नाइट फेल्ट कम्पेयर टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हेट रिकवर्ड एंड वॉज अ वेटिंग कलेक्शन अब मैं थोड़ा सोच रहा था कि ट्रिकी को अपने साथ रख लूँ लेकिन मिसिज पम्फरे की हालत देख करके मैं मैंने उस विचार को छोड़ दिया और फिर मैंने पंद्रह दिन बाद मिसेस ट्रिकी को फ़ोन करके बताया कि आप आप उसको यहाँ से ले जा सकती हैं विद इन मिनट्स अबाउट थर्टी फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी एक बड़ी सी कार लगभग तीस फीट लंबी मिनटों के मिनटों में ही वहाँ पर आ गई द शॉफर ओपन द डोर एंड आई जस्ट एंड आई कुड जस्ट मेक आउट दिंग फिगर ऑफ मिसेज पंफरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर अब जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो उस गाड़ी का जो इंटीरियर था उस इंटीरियर में मैं मिसेस पंफरे को लगभग भूल ही गया था उसको देख करके हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रैमबल्ड उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे होंठ बिल्कुल कांप रहे थे ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रूथ इज़ ही रियली बेटर मुझे सच बताइए क्या वो बिल्कुल सही है येस ही इज़ फाइन देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार आई गो एंड फैच हिम आपको कार से निकलने की जरूरत नहीं है मैं जाता हूँ उसको लेकर के आता हूँ आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन मैं घर में गया गार्डन के गार्डन से होकर के अब मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी अब ग्राउंड में कुत्ते खेल रहे थे उनके बीच में कानों को हिलाता हुआ पूँछ कानों को फा, फा, कान हिलाता हुआ पूछ हिलाता हुआ जो गोल्डन कलर का जो ट्रिकी था वो वहाँ खेल रहा था इन टू वीक्स ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू आर लेथ हैड मसल एनिमल ही वॉज कीपिंग वेल विद दैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड अब इन दो हफ्तों के अंदर एक स्लीकी फैट जो uh, कुत्ता था उससे वो मस्कुलर और स्ट्रॉगर कुत्ता बन गया था नॉर्मली जैसे कुत्ते को होना चाहिए आई कैरिड हिम बैंक अलॉन्ग द पैसेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस जो uh, सामने का जो फ्रंट जो पैसेज था जो गलियारा था घर के सामने मैं उसको वहाँ ले गया द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन और अब तक जो ड्राइवर था वो कार का दरवाज़ा पकड़े हुए खड़ा था एंड वैन ट्रिकी सॉ हिज मिस ट्रेस ही टुक ऑफ फ्राम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेज पम्फरेज लैब अब जैसे उसने अपनी मालकिन गोदे देखा मेरा से छूट कर वो सीधा उसकी गोद में जा चढ़ा शी गेव अट ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज शी सोम ओवर हर लिकिंग हर फेस इन वाकिंग और तब उसको अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि उसने उन पर चाटना शुरू कर दिया भोगना शुरू कर दिया ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैड स्टोरीज क्वेश्चन कोर्ट्स बाउल्स ऑफ विच हैड बीन यूज्ड जितना सामान वो उन्होंने भिजवाया था वो सब मैंने शॉफर की हेल्प से वापस कर दिया क्योंकि कोई भी चीज़ उनमें से इस्तेमाल नहीं हुई थी एज द कार मूड अवे मिसेस पंफरे लीन आउट ऑफ द विंडो जैसे कार चली तो उन्होंने कार से जाकर देखा टीयर्स शोन इनर आइज हर लिफ्स ट्रेम्बल्ड उसके हाउट काँप रहे थे आंखों से आंसू बह रहे थे ओ मिस्टर हैरी शी क्राइड हाउ केन आई एवर थिंक यू दिस इज़ द ट्राइम ऑफ सर्जरी कि मैं इस शुरू कैसे सोच सकती हूँ कि यही सर्जरी की जीत है you can see in the picture the condition of the dog in the first part of the video in the first part of the video i had showed you the real condition of the dog how fatty he was it he was and now you can see in the picture how healthy the dog is looking and how much ha happy both the persons are so this was the story the triumph of surgery and now we will

ही वॉज़ अ वेरी जनरस मैन बड़ा उदार व्यक्ति था कम्पेशनेट पर्सन था और ही वॉज अ पर्सन हु यूज टू हेल्प दी अदर्स वो ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था मिसेज़ पंफरे के जो डॉग था उसको देखने के बाद ही बिकम कम्पैशनेट उसको लगा कि इस बेचारे की मदद करनी चाहिए कुत्ते की अदरवाइज He may get into a serious trouble और मिसेज पंफरे को कन्विंस करने के बाद वो अपने यहाँ ले आता है और बिना किसी लालच के बिना किसी आ, अपने लालच को या बिना किसी ग्रीड के वो उस कुत्ते को बिना किसी सर्जरी के ठीक कर देता है नहीं तो क्या कर सकता था मिसिज पंफरे जो कि बहुत अमीर औरत थी और कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो वो इस जो रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग थी इसका वो फ़ायदा उठा सकता था मिसिज पंफरे को वो ठग भी सकता था लेकिन ही डिड नथिंग ही जस्ट डिड इट्स वे इन अ वेरी ऑनेस्ट वे और जैसे कुत्ता ठीक हो गया उन्होंने उसके कुत्ते को वापस कर दिया डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम वट डू यू थिंक विल हैपन नाव आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के, आ, के लिए खुश था और आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था क्योंकि जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है वो उस पर तुरंत झपट पड़ता है और अपने अफेक्शन को दिखाने के लिए वो उसको लीकिंग करता है पार्किंग करता है और उसके आसपास अपनी पूँछ लगाकर घूमता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट वट डू यू थिंक विल हैपन नाव अब क्या होगा अब ऐसा होगा क्योंकि स्टोरी को लास्ट में केवल उनके जो रिकन्सिलिएशन है वहाँ जाकर उसको छोड़ दिया गया है उसके बाद की जो कहानी है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नाउ मिसेस हम्प्रे विल बी मोर केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ द डॉग अब वो शायद शाय समझ चुकी हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है तो उनका जो ओवर पेम्पर्डनेस थी उन्होंने ट्रेकिंग के लिए सीरियस प्रॉब्लम सीरियस ट्रबल्स खड़े कर दिए थे तो शायद ऐसा होगा कि शी विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स दैट शी वॉज कंटिन्यूसली डूइंग इन द पास्ट डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ इसको फिक्शन नहीं कहा जा सकता इनके कल्पना नहीं कहा जा सकता दिस कुड बी अ रियल लाइफ इंसिडेंट क्योंकि ही वॉज अ वेटनरी डॉक्टर एंड ही फेसिस सो मैनी केस ड्यूरिंग द डेज और बिकॉज इट इज़ हिज प्रोफेशन एंड इन हिज प्रोफेशन दीज इंसिडेंट्स आर अनॉर्मल थिंग्स सो इसको फिक्शन uh, नहीं कहा जा सकता ये जो एपिसोड है ये एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एपिसोड है सो हियर द हियर एंड द चैप्टर द टाइम फॉर सर्जरी एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो आल बी मीटिंग विद यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन अ न्यू चैप्टर टिल देन थैंक यू